यार मैं बीनू राय बर्फ में स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमारे स्वेटर्स जो होते हैं सर्दियों में, जैसा कि सर्दियों की ही सीरीज चल रही है, तो स्वेटर्स जब भी हम नया लेके आते हैं तो उनमें क्या होता है कि इचिंग होने लगती है जब भी हम पहनने लगते हैं। तो आज उसी को हम कैसे वो इचिंग को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्वेटर्स को कैसे सॉफ्ट बना सकते हैं, वो सारी बातें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि और मैं क्या क्या आप लोगों के लिए ला सकती हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम नया कोई भी स्वेटर लेके आते हैं तो जब भी हम उसको पहनते हैं तो चाहे कभी उसके बॉर्डर्स में या फिर यहाँ का जो होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे खुजली हो रही है या चुभ रहा है, मतलब अनकंफर्टेबल होता है पहनने में। और आजकल तो मुझे लगता है स्वेटर्स ही नहीं, कुछ कपड़े भी ऐसे आ रहे हैं सिला के फिर हम जब घर लाते हैं, अगर हम लाइनिंग नहीं लगवा के रखे होते या लाइनिंग लगवाने के बाद भी वो बॉडी में चुभते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो सारा मतलब ध्यान हमारा वहीं रहता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आज मैं एक दो बातें आपके साथ शेयर करूँगी। ये नहीं कह रही कि एक ही दिन एक ही बार में आप करेंगे तो आपका पूरा एकदम स्वेटर सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन एक से दो बार जरूर करके एक बार देखिए, आपके स्वेटर्स की जो शाइनिंग है वो भी हमेशा बनी रहेगी। और साथ के साथ जो है जो इचनेस की प्रॉब्लम होती है, जो इची स्वेटर्स होते हैं खुजली वाले, वो उनके जो थ्रेड होते हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो इचिंग नहीं होगी। तो मैं आपको सबसे पहले इसीलिए दिखा रही हूँ, ये मेरा सबसे पुराना स्वेटर है अभी तक में जो मेरे पास है, और फोटो मैं इसलिए लगा दूंगी शायद आप लोगों को यकीन ना हो कि इतना पुराना स्वेटर है। ये मैंने 2003 में ख़रीदा था। अभी मैं इसको घर पहनती हूँ क्योंकि ये ख़राब तो हुआ नहीं है, लेकिन क्या हुआ है कि अभी मेरी हेल्थ थोड़ी पहले के अकॉर्डिंग बढ़ गई है तो ये मुझे थोड़ा सा ऊपर से टाइट हो गया है, इसलिए मैं इसको घर में पहनती हूँ। और फिर क्या होता है कि आप देखिए, तो जब ये लाई थी मैं तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब जब पहनती थी तो ये बहुत अच्छा स्वेटर है, पता नहीं आज तक मैंने बहुत ढूंढा ऐसा लेकिन मुझे मिला नहीं। इतना बढ़िया डिज़ाइन और पहन के इतना स्मार्ट लुक देता है, इसलिए मैंने इसको कभी छोड़ा ही नहीं। और दूसरा रीज़न ये भी रहा कि मैं कुछ दिन बेंगलोर में रही, पुणे रही, मैसूर रही, तो वहाँ उतनी सर्दी पड़ती नहीं तो उलन चीज़ें उतनी यूज़ भी नहीं हुई, रखी ही रही। ये भी रीज़न हो सकता है कि इतने दिन चला, बट फिर भी वहाँ का मैसूर का मौसम ऐसा है कि वहाँ 12 महीने शाम को एक स्वेटर चाहिए ही चाहिए आपको हल्का फुल्का पहनने के लिए। तो ये स्वेटर मेरा सबसे पुराना है, लेकिन आप देख के कह नहीं सकते कि ये 2003 का स्वेटर है, और पहन के उतना अच्छा लुक भी आता है। तो इसमें आपको करना क्या है मैं वो पहले बता दूं, चाहिए क्या क्या पहले वो बता देती हूँ। एक कोई भी आपको स्प्रे बॉटल चाहिए, कॉलिन का ले लीजिए, घर में तो पड़ा ही रहता है, मेरे पास ये था और कॉलिन का अभी खाली नहीं हुआ था इसलिए जो है मैंने किसी को ले लिया। और इसके बाद आपको सफ़ेद सिक्का जिसे वाइट वेनेगर बोलते हैं वो चाहिए, पानी चाहिए, और एक ऐसी पॉलिथीन चाहिए जिसमें कपड़े हम खरीदते हैं तो हमें मिलते हैं, और या आपके पास अगर वो जिपर है तो वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बट मैं क्या है एक चीज़ के लिए फिर पैसे वेस्ट करना उचित नहीं समझती हूँ, तो जो मेरे पास रहते हैं जुगाड़ू चीज़ मैं उससे काम चला लेती हूँ। उसके बाद या तो आप स्टेपलर ले लीजिए या फिर ये सेलो टेप है, ये टेप कटर है बट मतलब ऐसे सेलो टेप भी वैसे आता है, मेरा इसमें लगा था इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो अभी हम जैसे मान लीजिए कोई भी जो भी स्वेटर आपको खुजली कर रहा हो बॉडी में पहनने के बाद, चाहे वो टी शर्ट वाला स्वेटर हो, स्वेट शर्ट चले हैं आजकल, वो कोई भी हो, तो आज अब देख सकते हैं आप इसकी जिप भी इतनी स्मूथ है सिर्फ वैसलिन की वजह से, आज तक नहीं थे 15-16 सालों में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिप ठीक रह सकती है, लेकिन ये है शायद, आई थिंक एक बार चेंज करवाया है मैंने जिप, एक बार चेंज करवाया है यस हाँ। तो इसको पूरा ऐसे हमें फैला लेना है अच्छे से, उसके बाद इस बॉटल में बराबर में सिरका, जो सफ़ेद सिरका है, और पानी हमें मिला लेना है। उसके बाद इसको बंद कर देंगे।
बंद कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो बॉर्डर्स होते हैं स्वेटर्स के नीचे के गले के या फिर बाजू के, उस पे स्प्रे करेंगे और अच्छे से पूरा हर जगह भिगा लेंगे। बाद में फिर पूरे स्वेटर को बॉर्डर्स पे भी ध्यान से देखिए आप, इतना कि मतलब ऐसा हो जाए कि हाँ हर एक थ्रेड में हमारा ये विनेगर और पानी का जो लिक्विड है वो पहुंच जाए स्लीव्स में हर जगह। फिर इसको उल्टा भी करके उसी तरह हम पूरा पानी फैला लेंगे, देखिए, क्योंकि इचनेस की प्रॉब्लम तो उल्टे साइड ज़्यादा रहती है, तो उल्टे साइड भी आप एक बार ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, सॉल्व हो जाएगी यकीन मानिए। तो उल्टे साइड और सीधे साइड दोनों साइड में इसको हम अच्छे से स्प्रे कर लेंगे, और बॉर्डर्स पे मतलब ये जो स्लिप्स की बॉर्डर्स हैं या फिर जो ये नेक के कॉलर्स होते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा इसको स्प्रे करेंगे, रख देंगे 15 मिनट तक, ऐसे ही आप इसको छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद फिर क्या करना है आपको, अच्छा कंडीशनर बताना भूल गई थी, कंडीशनर भी चाहिए, कोई भी ब्रांड कंपनी जो आप डेली यूज़ करते हैं उसको लेना है। ये ऐसे हाथ में देखिए आप लेके, और अच्छे से पहले स्वेटर उल्टा करके उसके सारे पहले किनारों पे अच्छे से, फिर उसके बाद सारे बॉर्डर्स पे बढ़िया से लगा के, लगा लिया हमने, और उसके बाद इसको थोड़ा सा एक चम्मच कंडीशनर हम पानी में या लकवाम ही डालिएगा, क्योंकि बहुत गर्म स्वेटर पानी में स्वेटर्स नहीं धोने चाहिए, तो लकवाम पानी करके इतना पानी लीजिए जितने में कि आपका ये स्वेटर डूब जाए, उसमें एक चम्मच कंडीशनर, डेढ़ चम्मच, जितना में आपको लगता है कि एक स्वेटर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट कर सकते हैं, करके इसको 15 मिनट तक डुबा के छोड़ दीजिए, 20 मिनट तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से सनलाइट में ड्राई करना है, और अब क्या करना है लास्ट है, जब ये ड्राई हो जाए तो इसको ऐसे फोल्ड करिए अच्छे से, देखिए थोड़ा बहुत चलता है स्लीव्स का, इतना फोल्ड करके कौन सा हम तह लगा के रखने जा रहे हैं, इसमें रखना है। और अगर आपके पास स्टेपलर है, जिपर है तो अलग बात है, अगर जिपर नहीं है तो ये जुगाड़ू आइडिया है, स्टेपलर है तो स्टेपल कर दीजिए इसको। इसको अच्छे से पहले सुखा के तभी स्टेपल करिएगा, मतलब इसमें डालिएगा स्टेपलर करके, या फिर अगर आपके पास ऐसे सेलो टेप है तो सेलो टेप ही अगर है तो उससे, मतलब ये कहने का मतलब कि ये जो पॉलिथीन है ये एकदम फुल पैक होनी चाहिए, एकदम एयर टाइट पैक जिसे कहते हैं, पहले इसमें से एयर निकालिए धीरे धीरे, फिर उसके बाद इसके वैसे अच्छे से पैक करके इसको रात भर के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए। अगले दिन सुबह देखेंगे आप पहनेंगे सेम स्वेटर, बहुत कम्फर्टेबल रहेगा और आपको लगेगा ही नहीं कि वही स्वेटर है जो कि इतनी इचिंग होती थी पहन के बॉडी में, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसके थ्रेड जो है वो खुल जाएंगे। और एक दो बार करके देखिएगा, आपको ज़रूर आराम मिलेगा, और पहनने के बाद मुझे तो बहुत दिक्कत होती है मेरी बॉडी में ज़रा सा, इसीलिए मैं मैक्सिमम कॉटन के कपड़े पहनती हूँ, चाहे कोई भी सीजन हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत जो है ये प्रॉब्लम है कि अगर कपड़े बहुत हैवी मोटे हैं तो मैं कम्फर्ट फील नहीं करती हूँ। तो ये रही आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है कि हाँ जब नया स्वेटर लाते हैं तो वो इचिंग होती है या फिर